शहर के नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम पर लगातार हो रही बारिश के कारण विशेष रूप से नगरपालिका द्वारा तैयार किए गए कोविड शमशान घाट पर जल जमाव होने से कोविड संक्रमितों की चिताएं जलती हुई बुझ गई। दरअसल दो दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण जहां पर कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वह पूरा स्थल खुला हुआ है, वहां पर किसी भी प्रकार की शेड नहीं है। ऐसे में बारिश का पानी इन चिताओं पर लगातार गिरता रहता है, जिससे कुछ चिताएं अध जली रह गई। इतना ही नहीं, कुछ चिताएं जहां जलाई गई थी वह स्थल गड्ढे नुमा था, इस कारण वहां पानी भर गया। लगातार बारिश के कारण संक्रमितों के अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है, क्योंकि बारिश थमने पर ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ऐसे में परिजन और नगरपालिका कर्मचारी दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि कोविड संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए शेड बनाए जाएं, ताकि इस तरह की परेशानी से निजात मिल सके। सर, यहाँ गांव में यहाँ शमशान घाट में ये व्यवस्था है कि बारिश हो रही और अभी तक कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। हमारी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है आधे घंटे से, न कोई पानी की व्यवस्था है न कुछ नहीं, नहीं ये पानी ऊपर से बारिश हो रही है। तो इसलिए मतलब क्या है कि व्यवस्था हो तो अच्छा रहेगा नगर पालिका की तरफ से। अभी जैसे यहाँ पे पानी भी आ रहा है, काफ़ी समय से आप यहाँ बैठे हैं, पानी रुके तो तक करेंगे, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? हाँ, यहाँ पे टीन सेट लग जाए तो अच्छा है, जैसे हमारी बॉडी में दिक्कत हो रही उस तरह से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं हो, दूसरे आने वाले भाइयों को। कहाँ से आए हैं आप? हम गाँव मोकुमपुरा से आए हैं, यहाँ से नीमच से करीब करीब 60 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव आत्री माता जी के पास में, और यहाँ आए हैं। तो अभी तक तो मतलब ये हुआ ही नहीं, कम से कम घंटा भर हो गया हमको यहाँ।